अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी कहना, आलिया की खुशी के लिए तुझे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। उर्वशी, अरे कौन है ये लड़की? कितना खून बह रहा है? बह चुका है। कोई है इसके साथ? इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, वरना यहीं मर जाएगी। अरे पर पुलिस हम पर ही केस ना बना दे। क्या ना कॉल पे कुछ कह रही थी, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ बात क्या है। क्या हुआ? अरे बेचारी, किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ। डॉक्टर आयुष्मान, ये आपका सस्पेंशन लेटर है। आपका एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। मैं खुद इलाज नहीं कर सकता इस लड़की का, पर हॉस्पिटल तो ले जा सकता हूँ। इसकी हालत बहुत खराब है, कोई मेरी मदद करो इसे कार में लिटाने में। आप ये सामान क्यों उठा रही हैं? आप उनको जानती हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। अगर तो फिर आप इसमें अगर उसका पता होगा तो मैं भिजवा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी ना पढ़ने वाली हूँ इन सब झमेलों में। मैं तो इसका फायदा उठाऊंगी, वो तो मुझे पता है कि एक्सीडेंट किसने किया है। हेलो, मैं डॉक्टर आयुष्मान बात कर रहा हूँ। एक एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट को लेके आ रहा हूँ। आप लोग स्ट्रेचर और बाकी सारी तैयारी कीजिए। अब जल्दी चलिए, लड़के का बहुत खून बह चुका है। हाँ बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले। पता नहीं मुझे कहना कि आसपास होने का एहसास क्यों होता, बस वो जहां भी हो ठीक हो।
माँ सब ठीक तो है? तुम लाख बार भी पूछो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारी खुशी के लिए मैंने गहना को रास्ते से हटा दिया है, और ना ही तुम्हें यह पता चलने दूंगी कि आयुष्मान की पकड़वा शादी मैंने ही गहना से करवाई थी। माँ क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? किस सोच में डूबे हुए हो? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे बस ये टेंशन है कि इससे पहले कि गहना कोई और बहाना बनाकर इस घर में वापस आ जाए, तेरी शादी आयुष्मान से जल्द होनी चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वो बोल रही हूँ जिसे पता है तुमने आज किसी के साथ क्या किया है। सॉरी डॉक्टर आयुष्मान, आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। ठीक है डॉक्टर, पर आप इस पेशेंट का ध्यान रखिएगा, इसकी जान बचा लीजिएगा। श्योर। समझ नहीं आ रहा है कि इस पेशेंट की इतनी चिंता क्यों हो रही है मुझे। इतना क्यों घबरा रहा है मेरा दिल? मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट्स का इलाज करना मेरा रोज का काम है, पर इस पेशेंट के साथ क्यों इतना अपनापन महसूस कर रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे इससे जुड़ा हुआ हूँ मैं। पेशेंट की पल्स बहुत ड्रॉप हो रही है, पल्स को स्टेबल करना जरूरी है वरना पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। यस सर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं हो, और इस पेशेंट के साथ अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये मेरा कोई अपना, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है मुझे, मैं नहीं जानता कौन है ये पेशेंट, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं हो रहा है? एक अजीब सा डर क्यों है मन में आज? मैं नहीं जानता मेरा मन मुझे क्या कहना चाहता है, पर आप प्लीज उसकी जान बचा लेना। क्यों मेरा मन इतना बेचैन हो रहा है कहना के लिए, कुछ अनहोनी होने का डर लगता है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं वो लोग आयुष्मान को मरीजों का इलाज करने से? अरे हमरे घर का अस्पताल और हमरे ही घर का बेटा, इसी को डॉक्टरी करने से मना करेंगे? बताओ राघव। इसे तो पहले ही मना किया था आलिया को ऑपरेशन करने से, आप ही ने किया था दीदी, याद है? और ये सुनता कहाँ है किसी की? कैसे नहीं करता मैं आलिया का ऑपरेशन जब हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था? आलिया की जान को खतरा था, आपको पता है ना? आयुष्मान कोई कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारी कोई भी गलती थी।
मेरे साथ जो हुआ वो तो मेरी किस्मत में था, वो होना ही था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पता नहीं क्यों खेना के लिए मुझे टेंशन हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।